दोस्तों आज मैं आप लोगों को बैक साइड का ब्लाउज का डिजाइन बताऊंगी, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। और आज का जो हमारा ब्लाउज का जो डिजाइन है बहुत ही खास होने वाला है, स्पेशल दुर्गा पूजा के लिए हम बना रहे हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो जरूर देखें, बहुत ही सिंपल तरीके से हम बताएंगे ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, जो लोग नए बिगनर्स हैं उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बिना यहाँ पे हम पेस्टिंग का बताएंगे बिना, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो हमारी वीडियो पूरे देखें और हमें लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि इसी तरह से और भी सिलाई से जुड़ी हर चीज़ का वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम आज आपको 32 साइज का ब्लाउज का कटिंग किए हैं, और इसका जो लेंथ है हम 14 इंच ले लिए हैं। और इसका जो ऊपर में जो देखिए शोल्डर है, शोल्डर यहाँ पे हमारा 15 है, तो 15 का जो हाफ हुआ तो 7.5 इंच है, हाफ इंच चला जाएगा हमारा सिलाई में तो बच जाएगा 7 इंच, यानी टोटल हमारा फुल 14 इंच बचेगा। तो देखिए हम 7.5 ले लिए हैं शोल्डर। उसके बाद यहाँ पे हम ले लिए हैं बाजू, जो आर्म होल का जो कटिंग किए हैं 6 इंच लिए हैं, इसका लेंथ लिए हैं। और अब देखिए यहाँ पे चलिए बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वोट नेक के अकॉर्डिंग हम आपको डिजाइन बता रहे हैं। तो यहाँ ऊपर में जो हम शोल्डर लेंगे तो ऊपर में हम 3.5 इंच लेंगे, आप 3, 3.5, 4, 4 इंच रख सकते हैं। अगर आपका अगर बॉडी ज़्यादा हेल्दी है तो आप 4 इंच भी रख सकते हैं। अगर आप 32, 30, 28 बना रहे हैं तो आपको इसमें 3, 3.5 इंच ही लेना होगा। अगर आप 36, 38 साइज का बना रहे तो उसमें 4, 4.5 इंच भी चलेगा। तो देखिए यहाँ पे हम 3.5 इंच ले लिए हैं, और जो नेक का जो हमारा लेंथ है तो 4 इंच लेंगे, आप 3 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 4 इंच ले रहे हैं, 4, 3 इंच इस तरह से आप रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम गोलाई का शेप में देते हुए इस तरह से गला में गोलाई दे देंगे, और इस तरह से हल्का ऊपर इस तरह से हल्का तिरछा करके कटिंग करेंगे। इससे क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा वोट नेक का जो शेप है बिल्कुल फिनिशिंग आता है। और अब चलिए इसका जो हमको अब डिजाइन बनाना है, इस तरह से हम जहाँ से हम 4 इंच को छोड़ते हुए टोटल जो हमारा 10.5 इंच है तो इसका हमको हाफ कर देना है। तो देखिए इस तरह से हम इंची टेप को लेना है, और यहाँ पे इस तरह से इंची टेप को रखना है, और उसके बाद इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। इससे हमारा जो बीच का जो भाग है तो हमारा निकल जाएगा। और पहले यहाँ पे एक स्केल सहायता से एक हम निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पे अब हमको चौड़ाई लेना है, तो देखिए यहाँ पे हम जो चौड़ाई है तो चौड़ाई यहाँ पे हम 4 इंच लेंगे, और उसके बाद देखिए इसको हम यहाँ से इस तरह से निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम निशान लगा दिए हैं, और अब देखिए दोस्तों इसको हम इधर से निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगाए हैं, कटिंग कर देते हैं। तो चलिए पहले फटाफट इसको हम कट कर देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहले अस्तर में हम कटिंग किए हैं, और हमारा कटिंग करने के बाद इस तरह से हमारा आया है। और अब चलिए यहाँ पे जो हमारा ब्लाउज का मेन कपड़ा को लेते हैं, और चलिए अब इसको हम 2 भाग में करते हैं। तो है हमको, और चलिए एक भाग को हम अलग रखते हैं और एक भाग को यहाँ से हम उठाते हैं। और देखिए यहाँ से हमको सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारा कपड़ा है इसको हमको सीधा रखना है। तो देखिए हमारा ये सीधा कपड़ा है ब्लाउज का, जो हमारा मेन कपड़ा उसको हम सीधा रखेंगे। उसके बाद इस पर हमको अस्तर को रखना है, इस तरह से रखना है। देखिए यहाँ पे हम इस तरह से इसको हम रखेंगे, और देखिए दोस्तों अगर आप ब्लाउज का कटिंग करते हैं तो अस्तर से आपका मेन जो कपड़ा है उसको थोड़ा बढ़ा के काटना चाहिए। इससे क्या होता है कि थोड़ा हमको सिलाई करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और अब देखिए यहाँ पे हम पीने लेंगे और हर जगह यहाँ पे अटैच कर देंगे, ताकि जो हमारा कपड़ा खिसके ना। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप यहाँ पे मशीन से कच्चा सिलाई लगा सकते हैं, उसको फिर बाद में उसको लॉक को खोल सकते हैं। के बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद हमको डोरी लेना है, और जो हमारा डिजाइन बनेगा तो डोरी से भी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसको 2 भाग में करेंगे। तो पहले देखिए हम गला के पास से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए अब हमको यहाँ पे सिलाई लगाना है।
और अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जब हम पहुंचेंगे उसके बाद हमको डोरी साथ में अटैच कर देना है, तो फिर हमको बाद में यहाँ पे अटैच ना करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम साथ में डोरी को इस तरह से हम लगा देंगे और अब यहाँ पे चलिए सिलाई लगाते हैं। और देखिए एक डोरी हमको नीचे में देना है, तो यहाँ पे हम बाद में देंगे, या तो आप पहले भी डाल सकते हैं या तो फिर आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बाद में ही डाल के आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों इस तरह से यहाँ पे हम सिलाई लगा लिए हैं। अगर आपको लगे ऐसा कि यहाँ पे जो हमारा सिलाई है थोड़ा बहुत तिरछा हो चुका है, तो उसको आप दोबारा अच्छी तरह से सिलाई कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा जब यहाँ पे जो सिलाई फिनिशिंग के साथ में रहेगा अच्छा रहेगा, उसके बाद ही जो हमारा गला का जो शेप है जो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हमारा उभर कर आएगा। तो अब चलिए यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देते हैं। दोस्तों हम कट कर लिए हैं और अब देखिए हमको सिलाई के अंदर छोटे छोटे कट लगा देना है, इससे हमारा जो कपड़ा है पलटने में दिक्कत नहीं होता है और आसानी से हमारा जो कपड़ा है उसको हम पलट सकते हैं। और अब चलिए इसको अब हम पलटते हैं। उससे पहले यहाँ पे जो हम पिन अटैच किए इसको पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अब इस तरह से हम बंद को यहाँ से निकालेंगे और देखिए इस तरह से हम पलट दिए हैं। और देखिए यहाँ पे हमारा इस तरह से पलटा गया है और अब यहाँ पे ऊपर से हम चाप सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा जो अस्तर है अच्छी तरह से अंदर की ओर अटैच हो जाए। तो चलिए देखिए दोस्तों इस तरह से हम गला के पास में लगा लिए हैं और अब चलिए यहाँ पे हम चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद जो हमारा कपड़ा है एक्स्ट्रा इसको कट कर देंगे। और अब देखिए यहाँ पे हम शोल्डर के बिल्कुल बीच में यहाँ पे एक टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। और अब देखिए यहाँ पे हम जो हमारा अस्तर है अस्तर का हमको कपड़ा लेना है और यहाँ पे फोल्ड करके अंदर की ओर पलट देना है कमर के पास में। तो चलिए दोस्तों एक जो हमको डोरी नीचे में डालना था तो उसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे जो हम नीचे में हम कमर के पास में जब यहाँ पे हम पट्टी लगा रहे हैं यहाँ पे एक अंदर की ओर डालते हुए और यहाँ से हम इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। तो फिर एक डोरी डालें एक डोरी यहाँ पे नीचे में डालें इस तरह से और सेम इसी तरह से। चलिए अब दूसरा पल्ला को हम तैयार कर लेते हैं। वो जो हमारा पल्ला है तो हमारा रेडी हो चुका है और अब चलिए इसमें हम अब लटकन डालते हैं और यहाँ पे जो हमारा डोरी इसको थोड़ा बड़ा ही रखना है ताकि जो हमारा जब डिजाइन बनाए तो हमारा बहुत ही सुंदर लगे देखने में। तो देखिए हमारा चार पट्टी इस तरह से तैयार हुआ है और यहाँ पे जो हम पट्टी लेंगे तो इसको हम जो लेंथ है जो 6 इंच रखेंगे और चौड़ाई भी 6 इंच रखेंगे, थोड़ा हमको बड़ा लेके ही कट करना है। और अब देखिए इसको हमको क्या करना है, पहले एक डोरी को हमको पकड़ना है और यहाँ से इस तरह से पहले हमको कपड़ा को देख लेना है सीधा और उल्टा। देखिए हमारा सीधा कपड़ा है तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से पहले एक हमको लटकन बनाना है। तो इस तरह से देखिए हम पहले अब यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से लगाए हैं और अब इसको हम पलट देंगे और पलटने के बाद यहाँ पे देखिए हमको कट कर देना है थोड़ा। यहाँ पे जो हमारा तिरछा कपड़ा है इसको हम इस तरह से बराबर रखेंगे और बड़ा बड़ा इस तरह से हमको चारों में बनाना है और फटाफट हम चारों में पहले बना लेते हैं। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे लटकन डाल रखे हैं, चारों में हम लगा दिए हैं और एक बराबर में हम लगाए हैं और अब इसको इस तरह से फैले हम इसको यहाँ पे बांधेंगे। और अब देखिए यहाँ पर भी हम इस तरह से इसको बांधेंगे और इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हैं और फोल्ड करने के बाद देखिए हमको इसको इस तरह से डबल में बांधना है और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमको रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा डिजाइन कंप्लीट हुआ और देखिए कितना सुंदर हमारा जो डिजाइन बनकर आया है। और चाहे तो इसमें आप यहाँ पे लेस भी डाल सकते हैं या तो फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेस नहीं डालेंगे, अगर आप डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लेस डाल सकते हैं ताकि इसका जो ब्लाउज का जो और ज्यादा खूबसूरती इसका निखर जाए।
तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पे हम डिजाइन हमारा बनकर आया है। और स्पेशल यहाँ पे हम नवरात्र के लिए ये जो हम खास करके डिजाइन तैयार किए हैं, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है और बिना बुकरम, बिना पेस्टिंग का हमारा डिजाइन है। और देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, एक बार आप जरूर ट्राई करें, खास करके जो लोग नए बिगनर्स हैं उनको तो जरूर ट्राई करना चाहिए। और हमें कमेंट में बताएं कि जो हम बताया हुआ डिजाइन हमारा कैसा लगा। और इसी तरह से और भी वीडियो की जानकारी के लिए दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो लोग ऑलरेडी पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ में।